सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा श्याम का एक अद्भुत चमत्कार, जिसे सुनने के पश्चात आपका विश्वास बाबा श्याम पर और भी मजबूत सुदृढ़ हो जाएगा। प्रेमियों, जिन प्रेमियों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हम हर रोज़ आरती के पश्चात ठीक 7:30 बजे आपको बाबा श्याम के लाइव दर्शन करवाते हैं। जो प्रेमी अभी तक लाइव स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया है, आप हमें व्हाट्सएप पर जय श्री श्याम लिखकर भेजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, ग्रुप को ज्वाइन करो और रात को ठीक 7:30 बजे बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करो। प्रेमियों की संख्या हर रोज़ बढ़ती जा रही है, इस वजह से तीसरा ग्रुप भी कम्प्लीट होने को आया है। सभी प्रेमी रात को बाबा के दर्शन करते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाबा के उस चमत्कार के बारे में। वो समय था आरती से 10 मिनट पहले का, 7 बजे के आसपास का समय था। नीचे हम मंदिर में ही थे, इस समय हम मंदिर की छत पर बैठे हैं, नीचे हम मंदिर में ही थे। हमें एक मैसेज मिलता है रिकॉर्डिंग, उस गुड़िया ने कहा कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी, आपने बताया कि बाबा को देसी घी की जोत जलाई जाती है, तो क्या बाबा को देसी घी की जोत जलाना ज़रूरी है? अगर किसी की इतनी समर्थता ना हो तो वो क्या करे? मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर कोई इतना सामर्थ्य ना हो तो वो क्या करे? जो प्रेमी समझ चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं समझे हैं कि हमने ये शब्द रिपीट क्यों किए, तो हम आपको एक बार फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहेंगे। द्वापर युग के अंत में जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, राजा उसी समय अपने राज्य का त्याग करके देवनगरी हरिद्वार चले गए। वहाँ उन्होंने वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा कि भगवान, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? फिर रिपीट करते हैं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे समाज के कल्याण के लिए है। तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होनी है, तुमने यह नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, मैं क्या करूं? तुमने पूछा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। फिर वापस लौटकर यहीं आते हैं। उस गुड़िया ने हमसे पूछा कि भाई, जो देसी घी की जोत जलाने में असमर्थ हो वो क्या करे? उसने यह नहीं कहा कि हमें प्रॉब्लम है, उसने पूछा कि उसने सभी के लिए सवाल कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ उसका यह सवाल सुनकर, लेकिन मेरे पास, सच बताता हूँ, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उस गुड़िया से क्या बोलूँ। अब मैंने उस गुड़िया से कहा कि एक काम कर, जैसे ही तुझे ही मेरा मैसेज मिले, ठीक 7:30 बजे लाइव जुड़ बाबा से, तू अरदास कर, मैं अरदास करूँगा, अन्य प्रेमियों से बोलेंगे। क्या अरदास होगी? या नहीं कि हमें कुछ ऐसा दे या नहीं, मत दे, नहीं। सवाल कर बाबा से कि तू टाटा अंबानी बनाते समय नहीं लगाता, लेकिन क्या किसी को तेरी जोत जलाने के लिए, देसी घी के लिए दर दर हाथ फैलानी पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा? प्रेमियों, पूरी आरती के दौरान दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती रही। बाबा श्याम भी समझ चुके थे इस बात को। आरती के दौरान हमें पता लगा कि बाबा श्याम ने भी समझ लिया इस बात को, क्योंकि हमारा ध्यान आरती में नहीं था। आरती के पश्चात जैसे ही हम सब ने मिलकर बाबा के दिव्य दर्शन किए, उस समय हमारे साथ 50 से 60 प्रेमियों के समूह ने, हमने आपसे भी सवाल किया, बाबा से भी सवाल किया। हमने ये बोला कि अगर किसी प्रेमी के पास इसका जवाब है तो हमें ज़रूर दे, और अगर जवाब नहीं है तो हमारे साथ मिलकर बाबा से ये सवाल करो, बाबा को इस बात का जवाब देना होगा। हम सभी ने मिलकर बाबा से यह सवाल किया कि बाबा, तू टाटा अंबानी बनाते समय नहीं लगाता, तो क्या किसी तेरे प्रेमी को, भगत को तेरे धाम आने के लिए सोचना पड़ेगा? तेरी जोत जलाने के लिए अपनी जेब की तरफ देखना पड़ेगा, दूसरे के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी तेरे होते हुए? एक तरफ से तू बोलता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, अगर हम तेरे बच्चे हैं तो तू लखदातार है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट है, तो इसकी
कारण हम भी अगर तेरे बच्चे हैं तो हम भी राजकुमार राजकुमारी हुए, तो क्या राजकुमारों को राजकुमारियों को हाथ फैलाने पड़ते हैं? नहीं, आपने भी हमारे साथ मिलकर बाबा से यही सवाल किया। आरती के बाद आपको दर्शन हुए, अगले दिन फिर हम आरती में आए, फिर हमने दर्शन किए बाबा के, आपने भी हमारे साथ दर्शन किए। जैसे ही हम आरती के पश्चात घर पहुंचे, उस गुड़िया का फिर से एक मैसेज आया हुआ था कि भाई सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपको और उन सभी प्रेमियों को जिन्होंने हमारे लिए अरदास लगाई। और प्रेमियों, उसके बाद उस गुड़िया ने जो कहा, मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि बाबा ने आपकी सुन ली और आज ही हमारे पति को नई जॉब मिल गई है। केवल एक बार अरदास लगाई थी, केवल एक बार आरती में सभी प्रेमियों ने। इसीलिए तो बोलता हूँ कि लाइव जुड़ा करो, बाबा के दर्शन किया करो, बाबा से अरदास किया करो। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो उस दिन अपने लिए नहीं उनके लिए मांगा करो जिन्हें आवश्यकता है, ज़रूरत है। आप सभी ने हमारे साथ प्रार्थना की और बाबा से सवाल किया, बाबा ने देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। केवल एक रात कितना अच्छा जवाब दिया बाबा ने। कुछ प्रेमी वीडियो पर आते हैं, देखते नहीं, अगर 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो है 2 मिनट देखेंगे और ऐसे भाग लेंगे जैसे पता नहीं गलती से क्या खोल लिया उन्होंने। जा सकते हो आप, ज़रूरत नहीं हमें फेक व्यूवर्स की। जो बाबा के सच्चे व अच्छे प्रेमी हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं। उसके साथ जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं बाबा की, मान के चलो अगर 80 प्रेमी भी जुड़े हैं तो उसमें से 40 प्रेमी ऐसे हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहते हैं, चाहे वीडियो 30 मिनट की होती है चाहे 3 मिनट की होती है, प्रेमी जुड़े रहते हैं। वही तो प्रेम है। आज आप बाबा के लिए समय निकालोगे, कल बाबा आपके लिए समय निकालेंगे। आज आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कल कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा। यही तो श्याम परिवार की हिम्मत है, ताकत है, मजबूती है कि श्याम परिवार के एक सदस्य को कुछ होता है तो उसके लिए हजारों हाथ उठ खड़े होते हैं। लाइव स्ट्रीम से जुड़ा करो, दुआ किया करो बाबा से उन प्रेमियों के लिए जो इस समय किसी ना किसी मुसीबत में है, परेशानी में है। पता नहीं उस समय किस प्रेमी की जुबान पर माता सरस्वती का निवास होगा और उस प्रेमी की अरदास बाबा श्याम तुरंत स्वीकार कर लेंगे। और उस प्रेमी के कारण पता नहीं कितने परिवार, कितने प्रेमी बाबा श्याम के नज़दीक चले जाएंगे। प्रेमियों, हर बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, खुद से भी सोचा करो, इस चमत्कार को उन प्रेमियों तक पहुंचाओ। हमने यह चमत्कार आप सबको बताकर, वीडियो बनाकर अपनी जो सेवा थी उसे पूरे कर दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने प्रेमी ऐसे हैं जो इस सेवा को निभाएंगे। इस वीडियो को उन प्रेमियों तक पहुंचाओ जिन्हें बाबा के चमत्कारों के बारे में नहीं पता, या फिर जो ये मानते हैं कि हमारे साथ चमत्कार क्यों नहीं होता। अब आपने वीडियो तो देख ली, सोच भी रहे होगे अगर उस प्रेमी के साथ एक बार एक रात में ही ऐसा हो सकता है तो कल से या फिर आज से हम भी लाइव जुड़ेंगे, हम भी बाबा से मांगेंगे, हम भी इनको बोल देंगे, ये भी अरदास लगा देंगे, अन्य प्रेमी भी लगा देंगे, हमारी स्वीकार हो जाएगी। नहीं, सिर्फ इस बात पर मत जाओ। उस प्रेमी का भाव देखो कितना मजबूत भाव होगा उस प्रेमी का, समझने की कोशिश करो। जब तक अंदर से नहीं रोओगे वो आपकी पुकार नहीं सुनेगा। अंदर से रोना पड़ता है तब जाकर वो कहीं सुनता है। हर तरीके से वो आपको देखता है कि कितना मजबूत है। जब उसे उसकी टक्कर का बंदा मिलता है ना, उसी के साथ चमत्कार होते हैं, ऐसे नहीं होते चमत्कार। वीडियो को शेयर करो, उन प्रेमियों के पास पहुंचाओ जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। इसे सुनकर उन प्रेमियों के मन में भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हाँ, अब हम सच्चे दिल से उसके सामने रोएंगे। जब वो इतने प्रेमियों की सुन सकता है, एक रात में इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव लाएगा, और बदलाव आएगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन कैसे आएगा वो आप पर डिपेंड है। वीडियो छोड़कर भागने वालों में से नहीं, लाइव स्ट्रीम से जुड़ते हो, 2 मिनट रुकते हो, भाग जाते हो, ऐसे नहीं। थोड़ा खुद से सोचो, अपने आप से बातें करो, फिर बाबा से हमसे बातें करो। कोई रोक नहीं सकता आपको, हम जिम्मेवारी लेते हैं। जय श्री श्याम।